पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत पर सीबीआई की कार्रवाई पर कांग्रेस नेताओं में मोदी सरकार को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने मोदी सरकार पर लोकतंत्र और विपक्षी नेताओं को धमकाने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार विपक्ष के उन नेताओं को निशाना बना रही है जो सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने सरकार पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रावत के ओएसडी और निजी रिश्तेदारों पर भ्रष्टाचार की शिकायत आ रही है, लेकिन सीबीआई और डीई बीजेपी के भ्रष्टाचार पर ध्यान नहीं दे रही और विपक्ष के नेताओं को धमकाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उनको न्याय प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। हरीश रावत जी को 3 साल पहले के एक आरोप में अचानक फिर सीबीआई ला रही है, तो ये कहीं नहीं दिख रहा है कि ये अपराधियों को पकड़ने का, ये सिर्फ कांग्रेस और प्रतिपक्ष लोगों को डराने धमकाने या लोकतंत्र के आवाज़ को दबाने का है। नहीं तो एक बात बताए, वही स्टिंग करता हरीश रावत जी का स्टिंग करता है, उसमें न कहीं लेन देन दिखता है, न विधायक दिखते हैं, हमारे विधायक चूरी हुए हैं, हमारी सरकारें गिरी हैं, और वही स्टिंग करता तब बहुत बड़ा करप्शन के खिलाफ लड़ने वाला था, और वही स्टिंकदा जब वर्तमान मुख्यमंत्री के नज़दीकी लोगों पर बहुत गंभीर आरोप लगा रहा है, जहां साफ दिख रहा है कि मुख्यमंत्री के ओएसडी और कुछ लोगों के बीच में रुपयों की आन प्रदान के सारी सीडी में साफ दिख रहा है, रांची से देहरादून को बहुत ही विभिन्न बैंकों में जो मुख्यमंत्री के नज़दीकी रिश्तेदार हैं उनके खातों में पैसा आ रहा है, क्या मोदी की सरकार उनकी जाँच सीबीआई से क्यों नहीं करवा रही है? हमें उस जांच से पूरे वन से जांच से कोई वो नहीं, डर भी नहीं है, और हमें पूरा भरोसा है, न्याय पर भरोसा, और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने कह दिया हम अपने आप को वहाँ निर्दोष साबित करेंगे, हमें न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है, जैसे हमारी सरकार को गिराया गया था तब भी हमने अपने पक्ष को वहाँ पर कोर्ट के सामने रखा था, लेकिन उसी तरह के मामले में उसी शख्स के द्वारा अब उस शख्स को ब्लैकमेलर कहा जा रहा है, उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं, आखिर उसकी जाँच सीबीआई क्यों नहीं कर रही है? ये हम जनता के सामने एक सवाल उठाना चाहिए, मोदी सरकार के सामने एक ही मामले दो तरह के दृष्टिकोण क्यों? एक में वो अपराध हो जाता है अगर वह कांग्रेस या प्रतिपक्ष से जुड़ी हुई लीडरशिप हो, और आपके लीडर हों, आपके मुख्यमंत्री हों, आपके नेता हों, तो वही पुरस्कार हो जाए, आप उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस का जनता के बीच में ले जाएगी, हम अपना पक्ष न्यायालय में रखें, लेकिन इस सवाल को लेकर के जनता के बीच में ले जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी का ये ढोंग सीबीआई का और ईडी का उपयोग प्रतिपक्ष के नेताओं को, प्रतिपक्ष की आवाज़ को, लोकतंत्र की आवाज़ को दबलने के लिए, दबाने के लिए, कुचलने के लिए किया जा रहा है। आज न्यूज़ के लिए अल्मोड़ा से गोपाल सिंह विष्ट की रिपोर्ट। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।